हरे कृष्णा, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ए वेरी नाइस स्टोरी स्टोरी बेस्ड ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता। वंस देयर वॉज ए ब्राह्मण सुशर्मा। एक ब्राह्मण था सुशर्मा। ही वॉज नॉट ए गुड मैन। अच्छा आदमी नहीं था, बहुत क्रूअल था। सबसे झगड़ा लड़ाई करना ये सारा उसका काम था। सबको परेशान करना, मारना सबको, और जो लॉर्ड कृष्णा ने जो बोला है वो कभी नहीं करना उसको, उसका सारा अगेंस्ट में ही करना। तो इस तरह से बहुत क्रूअल था वो। और वो क्या करता था, जो लीफ होती हैं लीफ से प्लेट्स बनाता था, प्लेट्स को सेल करके उससे जो मनी आता था उससे फिर क्या करता था, वाइन पीता था उससे, उसे गंदे गंदे काम करता था। तो इस तरह से वो कर रहा था। एक दिन उसको प्लेट्स बनाने के लिए वो गया लीफ कलेक्ट करने, तो वहाँ पर एक स्नेक ने उसको बाइट कर दिया, तो वो वहाँ पर मर गया। अब जब मर गया तो क्या होता है, मरने के बाद जाना होता है कहाँ पे, हमारे जो हम अच्छे वर्क करते हैं, जितना भी अच्छे एक्शन हमने किए, अच्छे डीड्स हमने किए, उसके लिए कृष्णा हमको पॉइंट्स देते हैं, और जो हम गंदे वर्क करते हैं उसके लिए हमें नेगेटिव पॉइंट्स देते हैं। तो उसने तो सारे गंदे गंदे काम किए थे, तो उसको खूब सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिले। नेगेटिव पॉइंट्स मिले तो वो कहाँ गया, हेल में गया। और हेल में जब वो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे हेल में बहुत पनिशमेंट मिलता है, तो वहाँ पे उसको बहुत पनिशमेंट मिला। और उसके बाद उसका फिर रीबर्थ हुआ। जब उसका रीबर्थ हुआ तो वो एक बुल बन गया। और बुल बन गया क्योंकि उसने बहुत पहले गंदे गंदे काम किए थे। तो ये बुल जो है एक आदमी के पास था, और वो आदमी क्या करता था, बुल पे बहुत सारा लगेज रखता था, बहुत सारा बर्डन रखता था, और उसको बोलता था कि चल इस सामान को इधर लेके जा, उधर लेके जा, और उसको खाने को भी नहीं देता था, बहुत कम खाने को देता था। तो इस तरह से उससे काम तो बहुत सारा लेता था लेकिन खाने को देता नहीं था। तो बुल बहुत थक जाता था। बुल ऐसे काम करता रहा, 7 ईयर्स 8 ईयर्स तक ऐसे काम करता रहा। और एक दिन, क्योंकि खाने को तो मिल नहीं रहा है और काम करे जा रहा है, तो एक दिन वो अनकॉन्शियस होके गिर गया। जब वो अनकॉन्शियस हो गया तो वहाँ पे उसके चारों तरफ बहुत सारी क्राउड इकट्ठी हो गई। आज सब सोच रहे हैं कि ना ये बुल कितना काम करता है बेचारा, गिरा पड़ा है, क्या करें। तभी वहाँ पे एक लेडी आई, वो डांसर थी। उस लेडी को बहुत दया आई उसके ऊपर। उस लेडी ने बोला कि मैंने जितने भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जितने भी मेरे गुड एक्शंस हैं, उनके जो भी बेनिफिट हैं मैं वो इस बुल को देती हूँ। तो उस समय फिर क्या हुआ, उस बुल की डेथ हो गई। और अब वो बुल जब वापस से गया, अब वो जब डेथ होती है उसके बाद जो डेथ के जो किंग हैं वो हैं यमराज, उनके पास जाते हैं। तो उनके पास गया तो यमराज ने उसको क्या बोला कि अब तुम्हारे जो भी गंदे काम हैं सारे ख़त्म हो गए हैं। और अब उसको जब नेक्स्ट बर्थ मिला तो वापस से वो कौन बना, ब्राह्मण बना। और अब एक ब्राह्मण था वो। अब लेकिन उसको अपना प्रीवियस लाइफ याद है। हमें तो अपना प्रीवियस लाइफ याद नहीं होता कि हमारा प्रीवियस लाइफ में हम कौन थे। हो सकता है हम प्रीवियस लाइफ में कोई किंग हो, या हो सकता है हम प्रीवियस लाइफ में कहीं प्राइम मिनिस्टर हो, या हो सकता है कि हम कोई एनिमल हो, कुछ भी हो सकते हैं हम प्रीवियस लाइफ में। तो अब वो जब ब्राह्मण बना तो उसको प्रीवियस लाइफ अपना याद था। तो उसने सोचा कि वो डांसर ने ऐसा क्या अच्छा काम किया था कि उससे मेरे जितने भी जो नेगेटिव वर्क थे, जो गलत काम मैं करता था, वो सारे ख़त्म हो गए। तो उसने उसको ढूंढा डांसर को, और उसके पास गया और उसको पूछा कि आपने कौन से अपने गुड एक्शंस थे जिनका बेनिफिट मुझे दिया। उस डांसर ने बोला ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरे पास एक पैरट है और वो पैरट डेली कुछ रिसाइट करता है, कुछ चांट करता है, कुछ हिम्स बोलता है, और मैं डेली वो सुनती हूँ, और उसका ये बेनिफिट मैंने आपको दिया। चलो उस पैरट से पूछते हैं। आप उस पैरट के पास गए, उस पैरट को पूछा, तो उस पैरट ने बोला कि मैं भी, मेरी जो प्रीवियस लाइफ थी उसमें मैं प्रीवियस बर्थ में मैं भी एक बहुत बेकार था, बहुत बेकार आदमी था मैं भी सबसे झगड़ा करता था, सबको मारता था, सब गलत गलत काम करता था। और फिर जब मेरी डेथ हो गई तो डेथ के बाद मैं भी हेल में गया, और हेल के बाद जब मैं दोबारा आया तो मैं क्या बन गया, पैरट बन गया। और जब मैं पैरट बना तो उस टाइम पर ऐसा हुआ कि जब अभी तो मैं एग के अंदर ही था, तो अभी मेरे जो पैरट मम्मी और पैरट पापा थे वो दोनों की भी डेथ हो गई। अब मैं अकेला तड़प रहा था वहाँ। तभी वहाँ पे कुछ साज आए और वो मुझे ले गए, और वो जब मुझे ले गए तो वो मुझे वहाँ पे, वो अपने बच्चों को क्या करते थे, जो भगवान ने जो भगवद गीता बोला है, लॉर्ड कृष्णा ने जो भगवद गीता सुनाया है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपने बच्चों को याद करवाते थे। और हमें तो पता है ना, पैरट जो होता है वो
मैं याद कर सकता है और फिर वो बोल भी सकता है। तो पैरट ने वो फर्स्ट चैप्टर पूरा याद कर लिया था, और बाद में एक थीफ ने उस पैरट को वहाँ से चुरा लिया और चुरा के इस लेडी को बेच दिया। और ये लेडी को वो डेली पैरट जो होता है वही फर्स्ट चैप्टर जो है उसको रिसाइट करता है और वो सुनती है। तो अब इसको समझ में आ गया कि फर्स्ट चैप्टर जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, भगवान ने जो भगवद गीता में फर्स्ट चैप्टर दिया है उसका इतना इम्पोर्टेंस है कि उससे जो हमने गलत काम किए हैं, जो नेगेटिव काम किए हैं, वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। जो भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर है उसमें किंग है धर्मा और एक अधर्मा। जो धर्मा है वो बहुत अच्छा है, वो लॉर्ड कृष्णा ने जो भी बोला है सारी बात उनकी मानता है, अच्छे अच्छे काम करता है, सारे जो जिन लोगों को कुछ ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पूरी करता है, जैसे भगवान ने सिखाया है वैसे ही सारे काम करेगा। और जो अधर्मा है वो वापस से बहुत गंदा है, बहुत क्रूअल है, सबसे लड़ाई करता है वो। तो अब ये अधर्मा जो है ना, ये हमेशा धर्मा को परेशान करता रहता है, हमेशा इसको ऊपर से हमेशा लड़ाई करना, परेशान करना। फिर कुछ टाइम के बाद ये अधर्मा जो है, अधर्मा किंग, ये एक बैटल वॉर के लिए बोल देता है धर्मा को कि अब तो मैं वॉर करूँगा। अब जब वॉर होता है तो एक तरफ धर्मा की आर्मी है और एक तरफ अधर्मा की आर्मी है। तो जो धर्मा की आर्मी है उसके अंदर है पांडव, और पांडव के साथ कौन है, लॉर्ड कृष्णा भगवान। और जो अधर्मा की आर्मी है उसमें है कौरव। तो जो धर्मा की आर्मी है जिसमें पांडव है, पांडव बहुत ब्रेव हैं, वैसे भी कृष्णा उनके साथ हैं, जब कृष्णा हमारे साथ होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। तो इसमें एक पांडव है, उनका नाम है अर्जुन। तो अर्जुन का जो रथ है, जो चैरियट है, वो कौन चला रहे हैं, भगवान कृष्णा चलाएंगे, ऐसा डिसाइड हुआ। और इधर जो अधर्मा है, अधर्मा की आर्मी में सारे कौरव हैं। अब जब भी कोई बैटल स्टार्ट होता है उससे पहले जो कॉन्सेल होता है वो बजाते हैं, शंख बजाते हैं उससे पहले। तो सबसे पहले अधर्मा को तो बहुत जल्दी है भाई, जल्दी से वॉर हो। तो अधर्मा के जो आर्मी में लोग थे उन्होंने कॉन्सेल बजाया, और फिर जो धर्मा की आर्मी में थे उन्होंने बजाया। सबसे पहले किसने बजाया, लॉर्ड कृष्णा ने बजाया। जब कॉन्सेल की आवाज़ हुई तो उससे ये हो गया कि अब क्या हुआ, बैटल स्टार्ट होगा। अर्जुन खड़े हुए अपना बो एंड एरो लेके, और फिर अब अभी लेकिन जैसे जैसे ही अभी बैटल स्टार्ट होगा उसके जस्ट पहले अर्जुन के माइंड में कुछ आया और उन्होंने कृष्णा को बोला, कृष्णा अभी आप मेरे रथ को जो दोनों आर्मी है उनके बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किस किस के साथ वॉर करना है, किस किस के साथ फाइट करनी है। तो अब जो कृष्णा है वो रथ को दोनों आर्मी के बीच में ले गए। अब जब रथ दोनों आर्मी के बीच में आ गया तो अर्जुन ने देखा, धर्मा जो धर्मा आर्मी थी उसकी तरफ देखा, अधर्मा आर्मी की तरफ देखा। तो जब अधर्मा आर्मी की तरफ देखा तो उसने देखा उस आर्मी में तो कौन है, उनके ग्रैंडफादर भी हैं, उनके गुरु भी हैं, उनके फादर भी हैं, उनके सन भी हैं, कुछ उनके फ्रेंड्स भी हैं। और फिर उन्होंने धर्मा आर्मी की तरफ देखा तो उसमें भी, अब उस अर्जुन के दिमाग में आ गया डाउट। क्या डाउट आ गया कि जब मैं इन सबको मार दूंगा तो इसमें तो सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे सारे रिलेटिव्स मर जाएंगे, अगर रिलेटिव्स मर जाएंगे तो मैं अकेला जिंदा रह के क्या करूँगा, या तो ये मुझे इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं ये मुझे मार दें। क्योंकि जो अर्जुन है हमेशा कृष्णा की बात मानते हैं, कृष्णा के फ्रेंड भी हैं वो। तो कृष्णा बहुत मर्सीफुल है, जो आप कृष्णा से मांगते हो कृष्णा आपको वो देते हैं, और कृष्णा से जो भी हम प्रेयर्स करते हैं कृष्णा वो सुनते हैं, कृष्णा आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो क्योंकि कृष्णा जो है बहुत मर्सीफुल है इसलिए अर्जुन भी मर्सीफुल है। तो अर्जुन के अंदर ये मर्सी आ गई कि मैं कैसे मारूं इन सबको, मुझे नहीं मारना चाहिए इनको, और ये मारना तो अच्छी बात नहीं है, सब लोग मर जाएंगे, और सब लोग मर जाएंगे तो कौन रह जाएगा, केवल बच्चे रह जाएंगे या केवल लेडीज़ रह जाएंगे, तो फिर क्या है, फिर ऐसे कैसे, ये तो अच्छी बात नहीं है इस तरह से लड़ाई करके सबको मार देना। तो ऐसे करके अर्जुन के अंदर एक डाउट आ जाता है, और जब डाउट आ जाता है तो वो कृष्णा को बोलते हैं कि कृष्णा मैं ये जो फाइट है मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे ये फाइट नहीं लड़नी, चाहे ये लोग मुझे मार दें पर मैं ये फाइट नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से इन लोगों को नहीं मारना चाहता। और ऐसा करके अर्जुन ने क्या किया, उनका जो बो एंड एरो था तो उनके बो का नाम था गांडीव,
तो उन्होंने अपना बो और एरो जो है वो एक तरफ रख दिया और कृष्णा को बोला कि कृष्णा मैं इनको नहीं मार सकता। तो अब यहाँ पे अर्जुन ने डिसीज़न ले लिया, अभी उन्होंने कृष्णा को पूछा नहीं मैं क्या करूँ, अभी उन्होंने खुद से डिसीज़न ले लिया कि कृष्णा मैं इनको नहीं मार सकता। तो जो भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर है उसमें उसका ये एसेंस है, जिसमें कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन जब देख रहे हैं आर्मी को और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मैं इनको नहीं मार सकता। अब कृष्णा आगे उनको क्या समझाएंगे, क्या बोलेंगे, वो हम फिर से जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसकी स्टोरी में सुनेंगे। हरी बोल।